हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको 50 के केबल ट्रंकी में साइड अपसेट का मार्किंग करके हम दिखाएंगे। साइड अपसेट का मार्किंग किस तरीके से किया जाता है, क्या फार्मूला है इसका, किस तरीके से हम इसका मेजरमेंट करेंगे, कितना कितना सेंटी गैप दे करके इसका मार्किंग करेंगे और किस तरीके इसको हम कटिंग करेंगे, तो ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, शुरू से आखिर तक वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर अगर आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 50 mm का ट्रंकी है और इसमें हम आपको साइड अपसेट का मार्किंग हम आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से आखिर तक वॉच करिए। तो देखिए हम इसका मार्किंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसका हम जो साइड अपसेट बनाएंगे 100 mm का साइड अपसेट हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका हम मार्किंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा ट्रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम कुछ दूरी ले छोड़ करके पहला एक मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम छोड़ेंगे 150 mm, 150 mm छोड़ करके हम पहला एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ से आपको जितना छोड़ना होगा उतना छोड़ करके आप पहला मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 150 mm छोड़ करके एक पहला मार्किंग किया और इसके बाद दो मार्किंग करेंगे। उसमें हमको वी कट एक बनाना है और एक कपलर का मार्किंग करना है। तो 50 का ट्रंकी है हमारा, तो 50 का ट्रंकी में आप यहाँ से हमने 150 mm छोड़ा, यहाँ से हम लेंगे 20 mm और फिर एक और मार्किंग करेंगे 20 mm पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो मार्किंग करना है 20-20 mm पे, जैसा हमने मार्किंग किया, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरीके से मार्किंग कर ले राइट एंगल से, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग इस तरीके से ये हो गया। अब ये जो मार्किंग है हमारा, ये तीन मार्किंग है हमारा, तीन मार्किंग में से दो मार्किंग जो है हमको आगे ले करके जाना है। इसमें हमको वी कट का निशान लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा सेंटर का मार्किंग है और ये फर्स्ट मार्किंग है, ठीक है। तो इसको हम वी का निशान बनाएंगे, वी कटिंग का मार्किंग करेंगे, इसको हम वी काट करके इसका हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप मार्किंग कर दें, ये आपका वी बन चुका है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला मार्किंग है, इसको आपको कपलर बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मार्किंग कर दें और यहाँ से एक निशान लगा दें आप यहाँ पर, ये आपको काट करके इसको निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ से एक आपको मार्किंग कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो आपका कॉलर है, ये भी आपका कॉलर काट करके, ये भी कॉलर आपका कट करके ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। बचेगा सिर्फ ये हिस्सा, तो ये आपका कपलर बन जाएगा। जब हम इसको बैंड करेंगे तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आके सड़ जाएगा और ये जो कपलर है आपका, ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसको हम टाइटर से होल करेंगे और उसमें रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो सेंटर का मार्किंग है, ये सेंटर का मार्किंग आपको इस तरफ करना है और इधर भी आपको एक वी का निशान लगाना है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया मार्किंग, यहाँ से इस तरीके से एक वी का निशान लगा दें, ठीक है। और ये भी आपको काट करके निकाल देना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वी का मार्किंग हो गया। अब इसको हम आगे मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप सेंटर वाला लाइन, ये सेंटर वाला लाइन को आप इस तरीके से मार्किंग कर दें, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं, ये जो सेंटर वाला लाइन है हमारा, यहाँ से मैंने जो आपको ये मार्किंग करके दिखाया, ये सेंटर वाला लाइन से हमको इसका मेजरमेंट करना है आगे। तो हमको साइड अपसेट बनाना है 100 mm का, ठीक है। तो 100 mm का हम साइड अपसेट बनाएंगे, तो हम उसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा फार्मूला है, वो हम फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा मेज़रमेंट आएगा, यहाँ से हम इसका मेज़रमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेज़रमेंट आया है 141 mm, तो 141 mm यहाँ से हम पहला मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो 141 mm यहाँ से मेज़रमेंट कर दिए हैं, जो हमारा फार्मूला था मैंने आपको बताया है अगले वीडियो में, और भी वीडियो मैंने बताया, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आपको वीडियो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको उसमें फार्मूला के साथ बताया, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक मार्किंग कर दिया और उसके बाद यहाँ से 50 का ट्रंकी है, तो 20-20 mm पे हम दो मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो मार्किंग कर दिया 20-20 mm पे। तो सेम इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है और इसके बाद ये राइट एंगल से हम जिस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं इसका, सेम उसी तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग हो गया, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं, ये सेंटर वाला लाइन है, ये सेंटर वाला लाइन और ये जो लास्ट वाला लाइन है, इसको हमको वी कट का मार्किंग करना है। तो इस तरीके से इसको, ये जो सेंटर वाला लाइन है, इसको आप यहाँ पे ले आएँ
और ये जो लास्ट वाला मार्किंग है, ये कॉर्नर वाला, इसको आप यहाँ पे इस तरीके से मिला दें। ये आपका वी का निशान बन गया है, ये वी का आपका मार्किंग हो चुका है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप 20 mm, इसमें हमको कपलर बनाना है। तो जैसा हमने उधर मार्किंग किया है, सेम मार्किंग आपको यहाँ से एक मार्किंग इधर कर देना है, ये आपको काट के निकाल देना है, यहाँ से एक मार्किंग इधर कर देना है, ठीक है। और इस तरफ भी आपको इस तरीके से इसका मार्किंग कर देना है, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला आपको काट करके इसको निकाल देना है, और ये वाला भी आपको यहाँ से ये पूरा काट करके, ये अराउंड आपको पूरा काट के इसको भी बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ये मार्किंग हो गया है। अब ये जो सेंटर वाला लाइन है हमारा, ये सेंटर वाले लाइन से हमको एक इधर मार्किंग करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपको एक इस तरीके से भी का निशान लगा देना है, और ये भी आपको काट देना है, ठीक है। ये भी आपका कटिंग हो जाएगा। तो ये मार्किंग मुकम्मल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे, और कटिंग करके इसको बैंड करके भी हम आपको दिखाएंगे, और इसका मेज़रमेंट भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो वीडियो बने रहिए शुरू से आखिर तक। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है। जैसा हमने मार्किंग किया था, ये हमारा कटिंग हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा भी कट के निकल चुका है, देख सकते हैं। ये हमारा एक भी कट है और एक भी कट हमारा इधर है। इसको हमने काट करके अच्छे से फाइलिंग कर लिया है, और ये जो है हमारा ये कपलर बन गया है। यहाँ से हमने जो मार्किंग किया था, ये हमने काट के निकाल दिया, और इधर से हमने काट करके इसको भी निकाल दिया है। तो ये हमारा कपलर बन गया है। अब हम इसको उठाएंगे तो ये वाला जो है हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, और ये कपलर इसके अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ से हम टाइटर से एक होल करेंगे इसमें, और इसमें रूबिंग बोल्ट डाल करके इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, और इधर भी सेम प्रोसेस हम उसी तरीके से करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमने कटिंग किया, इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। जैसा मैंने आपको मार्किंग बताया था, ये भी हमारा कटिंग हो चुका है, और इधर भी हमारा भी कटिंग हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बैंड करते हैं, बैंड करके हम इसका मेज़रमेंट भी आपको करके दिखाएंगे। कितना का हमने ऑफसेट बनाया था आपको मैंने वीडियो में बताया है, वो मैं मेज़रमेंट करके आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमने बैंड कर लिया है। अब ये जो हमारा कपलर है, इसको हम हैमर से मार करके इसको अच्छे से बैठा देंगे, और ये भी जो हमारा कपलर है, इसको हैमर से हम दबा देंगे तो ये हमारा ये साइड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इसको बैंड कर दिया अच्छे से, देख सकते हैं किस तरीके से हमने बैंड किया है, हमने आपको बैंड करके भी दिखाया है। ये देखिए, ये हमारा कपलर है, इसमें हमने रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है, ये देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा कपलर, ठीक इसी तरीके से आपको बैंड कर लेना है, और इसको बैंड करके इसमें आपको इसी तरीके से रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको टाइट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हैं साइड अपसेट बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसका मेज़रमेंट आपको करके दिखाते हैं। ये हमने 100 mm का साइड अपसेट बनाया था, तो चेक करते हैं इसका हमारा मेज़रमेंट सही है कि नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा 100 mm का साइड अपसेट बन करके तैयार हो गया है, हमने आपको मेज़रमेंट करके भी दिखा दिया है। तो सेम इसी तरीके से आपको मार्किंग और कटिंग करके इसी तरीके से आपको बैंड कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये हमारा साइड अपसेट बन करके इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।